दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो धरती पर नहीं बल्कि पानी में तैरता है। बताया जा रहा है कि इस गांव के लोग कई कई महीनों तक जमीन पर नहीं आते, इनकी आवश्यकता की हर चीज इनको इस पानी पर बने गांव में उपलब्ध हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये गांव पानी पर तैरता है। पानी में तैरने वाला ये गांव चीन में है। चीन के निंगड़े सिटी में बसा ऐसा गांव है जो समुद्र में तैरता है, और इस गांव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा गांव है जो पूरी तरह से गहरे समुद्र पर बसा हुआ है। चीन का ये पानी में तैरने वाला गांव 1300 साल पुराना है, और आज इस गांव में लगभग 8500 लोग रहते हैं। और इस तैरते हुए गांव में रहने वाले सभी लोग मछुआरे हैं, और इनको ताका के नाम से पहचाना जाता है। जानकारी के मुताबिक चीन में लगभग कई सालों पहले ताका जाति के लोग उस वक्त के राजाओं से काफी परेशान थे, जिस वजह से मछुआरों को अपना घर समुद्र के मध्य में बनाना पड़ा था। और ये मछुआरे चीन में अपने परिवार को अपने परंपरागत नावों के मकान में निवास कराते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन मछुआरों को जिप्सीज ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र में रहने वाले ये लोग ना तो किनारे पर आते हैं और ना ही समुद्र के बाहर बसे लोगों के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।